हमारे पास जो एरर आ रही थी या अभी तक आ रही है इन आर, जब हम मॉड का फंक्शन यूज कर रहे थे, उसकी दो रीजंस हैं। पहली रीजन ये है कि आर जो है, जब आपको एरर बताता है तो बहुत क्लियर एरर नहीं बता रहा था, ठीक है? सो यू नीड टू गो स्टेप बाय स्टेप और फिर उस पर आप एरर को ढूंढ पाते हैं। और एरर क्या थी, किस तरीके से हमने मैंने फाइंड आउट की है, आई विल शो यू नाउ। स्क्रीन आपके सामने मैं अभी लेके आता हूँ, एंड हियर वी गो। बड़ी गौर से देखिएगा, यहां पे अगर आप गौर करें, बड़े ध्यान से गौर कीजिएगा, ये है पहला कॉलम इम्बार्क्ड, दूसरा है इम्बार्क्ड टाउन। ऐसे ये दो कॉलम है। मैं डीएफ को ओपन किया, पहले का कॉलम का नाम है इम्बार्क्ड, दूसरे का नाम है इम्बार्क टाउन, नॉट ईडी। दिस स्मॉल मिस्टेक एंड दैट कैन हैपन इन आर। पाइथन होता तो उसने फौरन से बता देना था क्या एरर है, कहां पे है। सो व्हाट आई डिड इज, यहीं पे इम्बार्क टाउन किया इसको, यहां पे भी इम्बार्क टाउन किया इसको, यहां पे भी इम्बार्क टाउन किया, यहां पे इम्बार्क टाउन किया, यहां पे भी इम्बार्क टाउन किया, ठीक है? और इसमें एक और एडिशन मैंने ये की कि जहां पे नल वैल्यूज है, क्योंकि अक्सर औकात आपकी जो नल वैल्यू है वो नल के तौर पे नहीं शो होती, कभी कभार वो खाली डब्बा शो होता है विदाउट एनीथिंग। सो मैंने यहां पे बोला कि अगर इम्बार्क के अंदर नल वैल्यू है या इम्बार्क के अंदर खाली डब्बा है, या मतलब दोनों में से कोई कंडीशन है, तो उसको मॉड के साथ रिप्लेस कर दो। और ये जो मॉड का फंक्शन है, ये मैंने पहले भी आपको बताया, ये जो लाइब्रेरी हमने इंस्टॉल की थी, ये डिस्क्रिप्टिव टूल्स, इसके थ्रू से आप मॉड का फंक्शन लेके आ सकते हैं, ठीक है? सो मैंने अब क्या किया है, मैं आपको पहले दिखाता हूँ कि मॉड क्या है दोनों का। मॉड ऑफ, ये डिस्क्रिप्टिव टूल का फंक्शन है, अगर आप गौर करें, मॉड देखिएगा, एंड देन यहां पे इसका है एस इम्बार्क का, और अगर मैं मॉड ऑफ इम्बार्क टाउन लेता हूं तो इसका है साउथहैम्पटन, ठीक है? मॉड, और कितनी दफा आ रहा है वो भी बताया है, 644 दफा। एंड व्हाट आई डिड इज एक्चुअली, यही मॉड का जो कमांड है वो यहां पे लगा दी। अब एक और तरीका कार ये है कि जब आप म्यूटेट का फंक्शन लगाते हैं, आप मल्टीपल कॉलम्स को एट अ टाइम पे म्यूटेट कर सकते हैं। तो मैंने पहले एज का म्यूटेशन वाला जो फंक्शन पहले मैंने आपको बताया था वो लगा दिया, इज नल वाला। इम्बार्क की कोई कैटेगरिकल है, इस वजह से मैंने यहां पे और लगाया, ठीक है? कैटेगोरिकल वेरिएबल के अंदर खाली जगह होती है, नल वैल्यूज अक्सर औकात वो डिटेक्ट नहीं करता, न्यूमेरिक में नहीं ये मसला होता, न्यूमेरिक में नल ही होती है वैल्यू, ठीक है? सो इस वजह से मैं खाली नहीं लगाया। सेम मैंने काम किया नीचे, और अब आप देखें कि हमने ये वाली इफ कंडीशन यहां पे लगाई कि अगर खाली है, सेम दूसरे कॉलम पे भी इफ कंडीशन लगाई, और ये हमने बताया कि इसको रिप्लेस कर दो मॉड के साथ। इसका मतलब है एन ए रिमूव कर दो, क्योंकि अक्सर औकात आपकी नल वैल्यूज ज्यादा हो जाती हैं तो उनका मॉड आ जाता है, ठीक है? तो अगर इसका तरीकाकार क्या है, अगर मैं आपको दिखाऊं, यहां पे मॉड लिया मैंने, मॉड लेने के बाद डी एफ इम्बार्क्ड, और यहां से मैं इसको रिमूव करके रन करता हूं, सो इट विल शो मी एन ए, ठीक है? सो दैट्स वाई वी नीड टू यूज एन ए रिमूव या रिमूव एन ए, ठीक है? दिस वाली, दिस वन थिंग, और इसको हम ट्रू कर देते हैं, यानी कि एन ए अगर आए तो उसको रिमूव कर दो, बाकी मॉड जो है मेरे पास आ जाए, एंड देन अगर नहीं तो इम्बार्क के साथ रिप्लेस कर दो। फाइनली व्हेन आई डिड दैट इट वर्क्ड वेल। सो ईडी का मेन एरर था, और जो दूसरा एरर कुड हैपन वो भी मैंने यहां पे इसको रिजॉल्व किया। मैं इसको रन करता हूं, एंड नाउ वी डोंट हैव एनी एरर एंड एवरीथिंग इज इम्प्यूटेड इन डीएफ क्लीन फाइनल यहां पे, और वी डोंट हैव एनी मिसिंग वैल्यूज इन डीएफ क्लीन फाइनल। सो मैं यहां पे डीएफ क्लीन फाइनल इज आने ये करता हूं, तो वी डोंट हैव एनी मिसिंग वैल्यूज नाउ, ठीक है? क्लियर हो गया। एंड नाउ यू कैन सी के 891 वैल्यूज ही हैं टोटल, दो जो इम्बार्क वाली थी वो रिमूव नहीं हुई। सो समटाइम्स इट हैपन्स कि आपके पास जो एरर है वो कॉलम की नेम की वजह से आ रही हो, एंड समटाइम्स फंक्शन ना हो। एक चीज जो है, आर के अंदर अगर आपने मॉड, मीनियन, मेन मीडियन मॉड लेना है, डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक्स की जो टर्मिनोलॉजीज यूज करनी है, देन यू शुड इंस्टॉल दिस पैकेज, ठीक है? ये मैंने कर लिया, तो मैं इसको कमेंट आउट करता हूँ, एंड नाउ यू कैन यूज मॉड फंक्शन टू इम्प्योर मिसिंग वैल्यूज एज वेल। क्लियर होगी जी बात? इतना ही आसान था, लेकिन जाहिर बात है उस तक पहुंचने के लिए टाइम लगता है, चीजों को समझने के लिए, और आर के अंदर एरर जो है वो चैट जीपीटी भी अच्छे से नहीं रिमूव कर सकती। बिलीव मी, चैट जीपीटी को कोई समझ नहीं आ रही थी, वही चीज चैट जीपीटी ट्रेन है पाइथन के कोडिंग पे, आर बहुत कम समझती है। सो कीप इन माइंड, हेलुसिनेशन होती है वहां पे जहां पे ये इशू।